हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जौनपुर जंक्शन का रीडेवलपमेंट का कार्य लेकर के आ चुके हैं। आज हम आपको पार्ट टू में प्लेटफॉर्म संख्या 4, 5 और 6 का अपडेट दिखाने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, और चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अभी हम पुराने फुट ओवर ब्रिज पर हैं। पुराने फुट ओवर ब्रिज से हम चलेंगे प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर। प्लेटफॉर्म संख्या 4, 5, 6 का अपडेट हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे टिन शेडों का निर्माण कार्य किया गया है। प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर यहाँ पर पुराना बूथ पड़ा हुआ है, जो कि भी पूरी तरीके से रनिंग में है। और प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर टिन शेडों का भी निर्माण कार्य किया गया है, तो टिन शेडों की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए जिससे यात्रियों को सुविधाएं मिल सके। धूप और बरसात से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आज हम आपको प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 और 6 का अपडेट पूरा कवर कराने वाले हैं। तो जो प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर पहले फुट ओवर ब्रिज का कार्य है, हम आपको दिखाते हैं। अभी जो पहला फुट ओवर ब्रिज है, उस पर अभी सीढ़ियों का ढांचा तैयार किया जा रहा है। छड़ की सीकें बिछाई गई हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा टिन शेड बनाया गया है, और ये रहा पहला फुट ओवर ब्रिज प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर, जो कि बनाए जा रहे हैं। और इस पर अभी छड़ की सीके बिछाने का कार्य किया जा रहा है, तो बहुत ही जल्द इसके ऊपर से ढलाई का कार्य किया जाएगा। कार्य अभी चल रहे हैं नए फुट ओवर ब्रिज पर। और इसके ऊपर से जो है स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है, तो बहुत ही जल्द इसके ऊपर जो है करकटों की छवाई का कार्य भी किया जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कितने कार्य हो चुके हैं चलकर आपको दिखाते हैं। ये ढलाई वाला मशीन भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर छोटे छोटे टिन शेड हर एक जगह पर बनाए गए हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा दुकान खोला गया है। तो कुछ खास काम दिख नहीं रहा है प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर। अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर जो दूसरा फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, अभी हम आपको उसका व्यू दिखाते हैं पूरा। बाकी प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर छोटे छोटे टिन शेड हर एक जगह पर बनाए गए हैं। तो अभी प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर पटना से कोटा एक्सप्रेस आ चुकी है। प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर पटना कोटा एक्सप्रेस,
तो बिल्कुल हम प्लेटफॉर्म संख्या 5 के लास्ट छोर पर आने वाले हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 के बिल्कुल लास्ट छोर पर एक छोटा सा टिन सेट बनाया गया है। अब हम चलेंगे प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर। प्लेटफॉर्म संख्या 6 का पूरा अपडेट आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम दूसरे वाले फुट ओवर ब्रिज पर हैं। अभी हम चलते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर। प्लेटफॉर्म संख्या 6 का अपडेट हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कार्य चल रहा है प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर। संख्या 6 पर एक बूथ बनाया गया है जो कि पूरी तरीके से तो हम आगे बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 6 की ओर। तो जो प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर नए फुट ओवर ब्रिज के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई थी उन पर पूरी तरीके से टाइल्स का कार्य पूरा हो चुका है और अभी ऊपर जो है करकटों की छवाई का भी कार्य कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कितने कार्य कंप्लीट हो चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर हम आपको आगे चलकर दिखाने वाले हैं। और प्लेटफॉर्म संख्या 6 के बैक साइड में नए फुट ओवर ब्रिज का कार्य यहीं पर हो रहा था। और ये जो नालियों के लिए ऊपर से जालियां बनाई गई हैं, जिन पर कचड़े भर गए थे, नेक्स्ट अपडेट में हमने आपको दिखाया था इनमें से सारे कचड़ों को निकालने का कार्य किया जा रहा था। अभी फिलहाल पूरी तरीके से कचड़ों को हटा दिया गया है। तो जो नया फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है दूसरा वाला प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर पूरी तरीके से टिन शेड स्ट्रक्चरों पर करकटों की छवाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो प्लेटफॉर्म संख्या जो 6 पर दूसरा फुट ओवर ब्रिज है उस पर कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। और अभी हम आपको प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर जो पहला फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है उसको हम व्यू दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर काफी बड़ा यहां पर गड्ढे की खुदाई का कार्य किया गया है। चलकर हम आपको दिखाते हैं वहां पर कितने कार्य हो चुके हैं। छोटा सा टिन शेड यहां पर बनाया गया है प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर। तो अभी जो ये बना हुआ है उस पर अभी प्लास्टर का कार्य किया गया है, जो पिलर बने हुए हैं। तो जो नालियों के ऊपर बनाया गया था कवर पूरी तरीके से इस पे कचड़े भरे हुए थे, इसको पूरी तरीके से साफ सफाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर जो बड़ा गड्ढे की खुदाई का कार्य किया गया था अभी हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। और यहां पर काफी मोटे मोटे छड़ की सीकें यहां पर रखी हुई हैं। अभी हम वहां के वर्करों से कुछ पूछताछ करेंगे। अभी बरसात हुआ था तो बरसात की वजह से इसमें पानी भर गया है। तो ये जो बड़ा सा गड्ढे की खुदाई का कार्य किया गया है प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर, यहाँ पर ब्रिज बनाया जाएगा जो कि चौथा न्यू ब्रिज होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजें क्या हो चुकी हैं चलकर आपको दिखाते हैं। काफी मोटे मोटे यहाँ पर
छड़ के सिक्के यहाँ पर रखी हुई हैं। तो सामने रहा प्लेटफॉर्म संख्या 6 का पहला फुट ओवर ब्रिज। पहले फुट ओवर ब्रिज का हम आपको पूरा अपडेट दिखाते हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो जो पहला फुट ओवर ब्रिज है प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर, यहाँ पर पूरी तरीके से सीढ़ियों का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही जल्द यहाँ पर भी सीढ़ियों पर टाइल्स लगाने का कार्य किया जाएगा। ऊपर के जो टिन शेडों का स्ट्रक्चर बना हुआ था, पूरी तरीके से करकटों की छवाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से हम आपको पूरा अपडेट दिखाते हैं। तो सीढ़ियों का कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है पहले फुट ओवर ब्रिज पर। तो हम आपके लिए अपडेट लेने के लिए आजमगढ़ से चल करके आए हैं, तो आप लोग अपना प्यार व सपोर्ट बनाए रखें। तो ये रहा प्लेटफॉर्म संख्या 6 का पहला फुट ओवर ब्रिज। पूरी तरीके से टिन शेडों से स्ट्रक्चर पर करकटों की छवाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है। इधर के साइड में कई सारे नए नए मार्बल की कटिंग की जा रही है प्लेटफॉर्म संख्या 6 के बैक साइड में। और कई सारे छड़ की सीके भी रखी गई हैं मोटी मोटी। तो यहीं पर नए लिफ्ट का निर्माण कार्य किया जाएगा, इसके लिए 4 गड्ढों का निर्माण कार्य किया गया है। तो पहले फुट ओवर ब्रिज का हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। अभी इस पर मार्बल नहीं बिछे हुए हैं, जो कि प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर जो दूसरा फुट ओवर ब्रिज था उस पर मार्बल बिछाने का कार्य चल रहा था। तो ये जो सीढ़ी आप देख पा रहे होंगे, ये प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 के लिए बनाई जा रही है। इस पर पूरी तरीके से छड़ की सीके बिछाई गई हैं गर्डर के ऊपर से। तो बहुत ही जल्द यहाँ पर ढलाई का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर कई सारे मटेरियल बिखरे पड़े हुए हैं, तो आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि नए फुट ओवर ब्रिज का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। अगर आप लोग अकबरपुर, जौनपुर, शाहगंज, बलिया, मऊ, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के सारे अपडेट हम आपको इस चैनल पर दिखाते हैं। अभी ये रहा प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 का। प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 का ये सीढ़ी है, जो कि इस पर अभी ढलाई का कार्य किया गया है। और आगे हम बढ़ते हैं, और कितने कार्य हो चुके हैं चलकर आपको दिखाते हैं। आगे प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जो सीढ़ियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर सीढ़ियों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है बनाने का। और हम अपने वीडियो की समाप्ति यहीं से करने वाले हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट आते रहेंगे, तब तक मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।